वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्करों में उत्साह की कमी नजर आ रही है। दूसरे चरण के पहले दिन ज्यादातर कर्मचारी वैक्सीनेशन से कन्नी काटते नजर आए। गुरुवार को महज 40.3% टीकाकरण हुआ, यह अब तक हुए टीकाकरण में सबसे कम है। गुरुवार को कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण विधिवत शुरू हुआ। जिले के 30 अस्पतालों में 33 बूथ बनाए गए थे। इसमें 3,859 फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीन लगने का लक्ष्य रखा गया था। गुरुवार को वैक्सीनेशन कराने में प्रशासन के कर्मचारी ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आए। चंद बूथों पर ही 50% टीकाकरण हो सका। गुरुवार को 33 बूथों पर 1,555 फ्रंट लाइन वर्करों ने वैक्सीन लगवाई। आपको बता दें, कोरोना वैक्सीनेशन में पहली बार आधी आबादी पीछे हुई। गुरुवार को टीकाकरण के दौरान महज 175 महिला कर्मचारी वैक्सीन लगवाने पहुंची। इसमें ज्यादातर पुलिसकर्मी रहे, जबकि इस दरमियान 1380 पुरुष कर्मचारियों ने वैक्सीन लगवाई। इस दौरान कोविड टीकाकरण बूथों पर उल्लास का माहौल था। किसी के चेहरे पर डर, घबराहट या चिंता के भाव नहीं थे। लोगों ने हंसते हुए टीका लगवाया। इसके बाद ऑब्जर्वेशन कक्ष में बैठे, माहौल खुशनुमा था। आधा घंटा बातचीत में बीत गया, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। बूथों पर पहुंचने के बाद फ्रंट लाइन वर्करों का सत्यापन किया गया। इसके बाद टीका लगाकर उन्हें आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन कक्ष में बैठाया गया। सभी लोग खुश थे। बताया गया कि टीका से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, सभी को इसे लगवाना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीका लगवाने वाले पुलिसकर्मियों और सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आप कहाँ से हैं? डीएम ऑफिस। मैं महिला थाने के बगल में सामने मैसेज किया था सर, महिला थाने के बगल में। हाँ, यही है कि सर, यही अपना मोबाइल नंबर बोलिए। अच्छा, लग गया तो मैडम है यहाँ पे। बस तो इतने करिए, अभी हम फोटो कैसे लेंगे? संपर्क करना है तो ये सेकंड डोज कब और कहाँ लेना है, इसके डेट और टाइम आपको मोबाइल पे मैसेज के बताई जाएगी। बस इतने पर फोटो। कोविड के इंस्ट्रक्शन जो आप पहले से 2 गज की दूरी में, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको कोविड वैक्सीनेशन के बाद जो एक चला जाता है रोड, वहाँ पे गीता प्रेस, और गीता प्रेस से पहले लेफ्ट होते हैं उसी पे। कोविड के इंस्ट्रक्शन आप जो पहले से फॉलो करते हैं, भी आप जैसे मास्क यूज करना, ये सारे इंस्ट्रक्शन मेरा
मेरा नाम उप निरीक्षक हरिद्वार सिंह, यातायात पुलिस जनपद गोरखपुर। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई टीका लगने के बाद में, और टीका लगे मुझे अभी 20 मिनट हुआ है, 15 से 20 मिनट अब तक कोई समस्या नहीं हुई। आधे घंटे के लिए मुझे रोका गया है और एक कोविड का टीका लगाया गया है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। यह है सुरक्षा से संबंधित मेरे है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोविड का टीका लग गया तो हम कहीं भी कोई एहतियात ना बरतें। एहतियात मुझे उसी तरह से बरतना है जैसे कि दो पहिया वाहन पर हेलमेट लगाया जाता है, लेकिन हेलमेट लगाने के बाद भी मुझे एक्सीडेंट से बचना चाहिए। उसी तरह से कोविड 19 की व्यवस्था है कि कोविड 19 का टीका लगने के बाद भी हमें पूरी एहतियात कोविड 19 से बरतना है। सूरजनाथ सिंह, आज मुझे कोविशील्ड का ये पहला टीका लगा है, और जैसा कि यहाँ स्टाफ द्वारा बताया गया है 16 मार्च को हमको दूसरी खुराक इसकी लगेगी, और कोई ऐसे दिक्कत नहीं हो रही है, सब चीज़ बढ़िया है। देश का इतना पैसा लगा है इसको, इतने वैज्ञानिक इसकी शोध किए हैं, सब मिला के अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत खुशी भी है कि हमने आज पहला टीका लगाया था। इस टीकाकरण को लेकर जो बाहर तमंते की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इस समय अभी क्या है? बिल्कुल गलत है, ये अफवाह बिल्कुल गलत है। टीके में अब जो पूरे हमारे मेडिकल के जो भी अधिकारी कर्मचारी जो हमारे स्टाफ लगे हैं, बहुत अच्छी तरीके से टीका भी लगा रहे हैं लोग, बहुत अच्छी तरह से सुझाव भी दे रहे हैं, जो इसके साथ चेतावनी है उसका भी पालन के लिए बता रहे हैं हर प्रति व्यक्ति से। और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनका तो काम अफवाह फैलाना, देश के इतने वैज्ञानिक इसमें लगे थे इन टीकों को लगाने में, और खुशी भी है कि हमारा देश अन्य देशों को भी दे रहा है टीका, और इसमें अफवाह की कोई बात नहीं है। मैं खुद टीका लगवाया हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ, फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। आज 11 फरवरी और 12 फरवरी दोनों में, 11 फरवरी को 33 बूथों पर 3860 लोगों तक का आज वैक्सीनेशन होना है, और कल 12 तारीख को 33 बूथों पर 4000 के ऊपर वैक्सीनेशन करेंगे। टोटल हम दोनों दिन मिला करके करीब 10000 के ऊपर का वैक्सीनेशन का हमारा लक्ष्य है। सर, कुछ नए बूथ बनाए गए हैं? नए बूथ बने हैं जेल में, एक जेल में, हॉस्पिटल में एक बूथ बना हुआ है, वहाँ जेल के अधिकारी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो रहा है। एक कमिश्नरी में बूथ बना हुआ है जिसका कि जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन हो रहा है, और एडिशनल बूथ जो है पुलिस लाइन में बना, दो पुलिस लाइन में बूथ बने हुए हैं, दो PAC भी बूथ बने हुए हैं, और एक बूथ जो है पुलिस हॉस्पिटल में बना हुआ है। सुबह से टीकाकरण चल रहा है, अभी तक कहीं से कोई परेशानी की बात सुनने में आई? नहीं नहीं, बिल्कुल ही सब कुछ सुरक्षित और बहुत अच्छी तरह से टीकाकरण चल रहा है, कहीं से किसी भी AEFI के कोई भी सिम्टम्स के मरीजों का कोई भी कोई शिकायत नहीं आई है। सर, कोविड का कौन कौन सा टीका लगाया है? दोनों तरह के टीके लग रहे, कोविशील्ड और कोवैक्सीन भी लग रहा है, और ज़्यादातर पुलिस लाइन में, पुलिस अस्पतालों में कोविशील्ड लग रहे हैं, और रेवेन्यू विभाग में कोवैक्सीन लग रही है।